हाय एवरीवन, आई एम होपिंग दैट यू आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर कैट। आई नो आप लोगों से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट यू नो कि एमबीए लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक होती है। सो स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इंट्रैक्शन। तो एज़ यू नो कि अब कैट के लिए बस 50 डेज, अप्रॉक्स 50 डेज ही बाकी रह गए हैं, और आई नो कि ये जो 50 डेज की जर्नी होने वाली है आप लोगों के लिए वो काफ़ी मुश्किल होने वाली है। अगर आप बहुत अच्छा मॉक में स्कोर कर रहे हो देन इट इज़ गुड फॉर यू, आपके लिए बहुत मतलब नॉर्मल सी होगी। बट जो स्टूडेंट, जो एवरेज स्टूडेंट है जिनका मॉक स्कोर कभी ज़्यादा कभी कम आ रहा है, उनके लिए थोड़ी सी ये जर्नी मुश्किल हो जाती है। एंड कभी कभी ऐसा भी थॉट आता है कि लाइक गिव अप कर दूँ, मेरे से अब नहीं होगा, मॉक में स्कोर नहीं आ रहे हैं, मेरा क्या ही होगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप ये जो 50 डेज है आप इसको मेहनत कर लिए, मतलब आपने इसको प्रोडक्टिव डे में निकाल लिया पूरे 50 दिन को, तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। मतलब अभी आप जिस पोजीशन पे हो, आपका जो भी मॉक स्कोर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा स्कोर आप फाइनल कैट में करोगे। तो गिव अप करने का कभी मत सोचना, बस ये 50 दिन को लगे रहो, जो भी स्कोर आ रहा है, जो भी चीजें चल रही है, बस उसको करते जाओ। ये 50 दिन डेफिनेटली आप अच्छा करोगे कैट में। ओके, तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माई स्ट्रैटेजी, मेरा क्या रूटीन था, मैंने कैसे ये 50 डेज को प्लान किया था, सो डैट कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आप ये 50 डेज को कैसे प्लान कर सको। ओके, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा। डेफिनेटली अच्छा लगेगा वीडियो, मैं अपने तरफ से बहुत अच्छी चीजें डालने का ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को एक्चुअल हेल्प हो। तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कुछ लग रहा हो एडिशनली, आपको कुछ जरूरत हो, तो देन प्लीज डू कमेंट, मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को रिप्लाई देने के लिए। और अगर आपको कैट रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप इंस्टा पे या लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत लोगों का मैसेज रिप्लाई किया है, कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं दिया है, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हो सके उनको मैं हेल्प करूँ। ओके, तो अगर आपको कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए कैट रिलेटेड, तो आप मुझे रीच कर सकते हैं इंस्टा पे या फिर लिंक्डइन पे। ओके, तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं कि मेरा एक्चुअल 50 डेज का जर्नी क्या था। बट उससे पहले मैं एक उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर ली होगी, एटलीस्ट पूरी नहीं तो अभी 70-80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर ली होगी। बिकॉज मेरा जो स्ट्रेटजी था वो आफ्टर सिलेबस कंप्लीट होने का था, मतलब मैंने सितंबर स्टार्टिंग में सिलेबस मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो जो मैंने स्ट्रेटजी फॉर्म किया था उसके अकॉर्डिंग किया था कि मुझे अब सिलेबस नहीं करनी है, मुझे बस अब क्या करना है, मॉक सेक्शनल और रिवीजन, तीन चीजें, मॉक सेक्शनल रिवीजन यही करना है बस 50 डेज में, और कुछ नहीं करना है। तो जो मेरा स्ट्रैटेजी था उस वो इसके अकॉर्डिंग ही था। तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अपनी स्ट्रैटेजी को सिमिलर वे में फॉर्म कर सकते हो, अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो और साथ साथ में ये चीजें भी फॉलो करते रहो कि मॉक सेक्शनल। ओके, तो इनिशियली जो मेरा प्लान था फॉर अक्टूबर और नवंबर मंथ के लिए वो ये था कि मुझे जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मॉक अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज यू नो कि मॉक एक बहुत अच्छा टूल होता है, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एक्सपोज करता है, मतलब आप किस टॉपिक पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, किस टॉपिक पे आपको रिवीजन की नीड है, वो मॉक ना आपको बताता है कि हाँ आप यहाँ पे लैग कर रहे हो, यहाँ पे आपका चीज़ें सही चल रही है। तो इसलिए मेरा ये था कि मुझे इस 2 महीने में जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक है देने हैं, तो इसलिए मैंने प्लान किया था कि मुझे अक्टूबर मंथ में 15 मॉक देने हैं और नवंबर मंथ में भी 15 मॉक देने हैं। बट मैं नवंबर में थोड़े से कम मॉक दे पाया था, बिकॉज एट द एंड ऑफ अक्टूबर मंथ मुझे ऐसा लगा था कि आई नीड मोर टाइम फॉर द रिवीजन, तो इसलिए मैं थोड़े से 3-4 मॉक ही शॉर्ट कर पाया, मैं ज़्यादा बहुत मॉक को शॉर्ट नहीं कर पाया था, बिकॉज मॉक भी देना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब साइमल्टेनियसली आपको रिवीजन भी जरूरी है, तो इसलिए मैं थोड़े ही शॉर्ट कर पाया। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अगर आपको लगेगा कि आपको रिवीजन की नीड है तो आप भी थोड़े से मॉक शॉर्ट कर लेना, अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे मॉक देने ज़्यादा चाहिए तो आप मॉक दे लेना, ऐसा कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही चीज़ करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हो। ओके, तो ये थी मेरी पूरी मॉक की प्लानिंग कि 2 महीने में मुझे मॉक कितने देने हैं और अल्टरनेट डेज पे देने हैं। ओके, तो अब आते हैं कि मैं मॉक के अलावा और क्या क्या किया। तो जिस दिन मैं मॉक नहीं देता था उस दिन मैं सेक्शनल अटैम्प्ट करता था, और ये सेक्शनल पार्टिकुलरली मैं DILR और VRC के लिए ही देता था, बिकॉज क्वांट के लिए मुझे नीड नहीं होती थी। और जो मैं सेक्शनल लेता था वो डिपेंड करता था कि जो पास्ट मॉक है
वो मतलब प्रीवियस डे वाला जो मॉक है वो कौन सा सेक्शनल अच्छा गया है। मतलब लेट सपोज अगर वीआर से आपका खराब गया तो जो मेरा नेक्स्ट सेक्शनल होता था वो वीआरसी पे होता था, अगर डीआरआर खराब गया तो नेक्स्ट सेक्शनल डीआरआर पे होता था। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं प्ले करता था कि कौन सा सेक्शनल मुझे देना है। अगर आपको लगता है कि आपको तीनों सेक्शनल देने की नीड है तो आप तीनों सेक्शनल दे सकते हैं अल्टरनेट डे पे। मतलब फर्स्ट डे आप वीआरसी दे दिए, सेकेंड डे आप डीआरआर दे दिए, थर्ड डे आप क्वांट दे दिए, तो ऐसे आप प्ले कर सकते हो। मतलब देखो सिंपल प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना चाहिए, आपकी जो स्ट्रेंथ है वीकनेसेस है उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करना चाहिए। मतलब मैं एक बस एक ब्रॉडर रूल बता दे रहा हूँ कि मैंने ऐसे किया था, तो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म कर सकते हो प्लस माइनस कर। तो ये थी मेरी सेक्शनल की स्ट्रेटजी। तो अपार्ट फ्रॉम मॉक और सेक्शनल मेरी क्या प्लानिंग होती थी, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ बेसिकली, सो डेट कि आपको बेटर क्लैरिटी हो कि मेरा जो एक डे होता था वो कैसे निकलता था उस टाइम पे। तो लेट सपोज कि आज मैंने मॉक दिया सुबह में, तो यूजुअली मैं मॉक सुबह में देता था बिकॉज ऑफ द फ्रेश माइंड, हाई एनर्जी, सराउंडिंग जो होता है थोड़ा सा लेस नॉइजी होता है, तो इसलिए मैं सुबह में मॉक देता था। तो आज मैंने मॉक दिया, जो भी स्कोर आया एक्सेप्ट किया, अच्छा आया वेल एंड गुड, बुरा आया थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया, बट फिर से मतलब इंपॉर्टेंट होता था कि फिर से आप प्रिपरेशन पे लग जाओ। तो अगर लेट्स सपोज खराब गया मॉक, तो 2-3 घंटे का मैं ब्रेक ले लेता था, बिकॉज आपको मॉक खराब गया तो इंस्टेंट आपको पढ़ने का मन नहीं होता, अच्छा जाने के बाद आप पढ़ते हो बट खराब के बाद नहीं पढ़ना होता है। तो 2-3 घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर बैक टू द वर्क। तो जो मैं प्रीवियस डे पे जो सेक्शनल दिया होता था उसका मैं एनालिसिस करता था। तो मतलब लेट सपोज मैं वीआरसी का सेक्शनल दिया, तो वीआरसी का एनालिसिस किया, वीआरसी का एनालिसिस डन, उसके बाद एक सीएल की डेली डोजेस आती थी, फिर वो डेली डोजेस मैं अटेम्प्ट करता था वीआरसी का। तो ये होता था मेरे वीआरसी के लिए डे का प्लानिंग। और कुछ मुझे लगता था कि मुझे आई नीड मोर प्रैक्टिस ऑन वीए और आरसी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक दो आरसी सॉल्व कर लिया या फिर कुछ क्वेश्चन वीए के कर लिए। पार्टिकुलरली मैं पीवाईक्यू करता था बिकॉज पास्ट ईयर क्वेश्चन से आपको बेटर क्लैरिटी मिलती है कि एक्चुअल कैट में क्या क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज मॉक में कभी कभी अननेसेसरी हाई टफ क्वेश्चन आते हैं। तो यूजुअली मैं पीवाईक्यू करना पसंद करता था, सो डेट कि आपको बेटर एक आइडिया लगे कि कैट में क्या आता था। तो ये होता था दिन का मेरा वीआरसी के लिए प्लानिंग। अब आते हैं डीएलआर के लिए। तो डीएलआर के लिए मतलब मैं क्या बोला कि जैसे अगर सेक्शनल दिया तो सिमिलरली डीएलआर के लिए भी एनालिसिस कर लिया, अगर सेक्शनल नहीं दिया तो डीएलआर के लिए मैं क्या करता था कि मैं 3-4 सेट सॉल्व कर लेता था। मतलब मन किया तो मैं पास्ट ईयर कर लिया पीवाईक्यू या फिर कहीं से मिक्स सेट लेकर सॉल्व कर लिया। बट हाँ डीआईएलआर के लिए भी एक सीएल का डेली जो डोजेस आते थे, मतलब सीएल का डेली डोजेस जो होते हैं वो तीनों सेक्शनल के लिए आते हैं, तो वो मैं तीनों सेक्शनल के लिए डेली डोजेस देता था, जो पार्टिकुलरली जो मेरा टाइम फ्रेमिंग था तीनों सेक्शन का उसमें मैं देता था। तो ये था मेरा डीआईएलआर के लिए प्लानिंग होता था मतलब डेली का। अब आते हैं क्वांट पे। तो क्वांट पे मेरा कोई सेक्शनल नहीं होता था, बस मेरा ये होता था कि जो मॉक में मेरी वीकनेसेस होती थी उस पर मुझे काम करना होता था। तो मतलब लेट सपोज कोई एक टॉपिक पे मेरी अच्छी पकड़ नहीं है तो मैं उस पर काम करता था, उसका रिवीजन करता था, उसके मैं कॉन्सेप्ट देखता था। और अपार्ट फ्रॉम ये चीज मैं पीवाई की सॉल्व करता था डेली। मतलब मेरा ऐसा ये था कि कैट जाने से पहले जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है क्वांट के उसको मैं एटलीस्ट 2-3 बार तो रिवाइज करके जाऊं। तो मेरा डेली होता था कि मुझे 5-10 पीवाईक्यू देने हैं, सो डेट कि मैं अच्छे से पकड़ बना के रखूं पीवाईक्यू पे, बिकॉज यू नो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं कैट में, तो इसलिए मेरा ये स्ट्रैटेजी था। तो ये होती थी जिस दिन मैं मॉक दिया उस दिन का स्ट्रैटेजी। फिर नेक्स्ट डे आते हैं जिस दिन मैं सेक्शनल दिया। तो सेक्शनल तो कम टाइम का होता है, सेक्शनल दिया खत्म किया, उसका स्कोर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, फिर भी थोड़ी सी चीजें इम्पैक्ट करती है। अगर आपका सेक्शनल अच्छा गया तो थोड़ी सी चीजें अच्छी होती है, अगर नहीं गया फिर भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा कम्पेयर मॉक। तो सेक्शनल खत्म हुआ, देन सीएल के जो डेली डोजेस होते थे उनको मैं अटेम्प्ट करता था फॉर द ऑल द 3 सेक्शन। फिर मॉक का एनालिसिस मैं स्टार्ट करता था। तो पूरे दिन मैं मॉक का एनालिसिस करता था। मतलब मैं यूजुअली मॉक एनालिसिस में बहुत ज्यादा टाइम देता था, बिकॉज आई फील कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छा एनालिसिस करो सो डेट कि आपकी चीजें पता हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, आपकी जो एटीट्यूड है ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम कैसी है, आप पार्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किए, कितना टाइम दिए, क्या टाइम रिड्यूस किया जा सकता था, ये मैं छोटी छोटी चीजें देखता था, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगता था।
मतलब फिर मैं पीयर से कंपेयर करता था कि और लोगों ने कितने टाइम में किया, मेरा टाइमिंग क्या था, मेरी क्या गलतियां थी, ये सब चीजें में मैं थॉट प्रोसेस लगाता था। तो इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, बट यू नो मुझे इसका प्रोडक्टिविटी मिलती थी, इसलिए मैं वर्थ समझता था इतना टाइम देने के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको टाइम देना वर्थ है तो आप टाइम दे सकते हो, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मुझे कम टाइम देना चाहिए तो आप जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हो, बट मुझे था कि मुझे जितना अच्छा से एनालिसिस करना है मॉक को उतना मेरे लिए बेस्ट होगा, तो वो चीज़ें मैं करता था। तो ये थी मेरी पूरी स्ट्रैटेजी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो नवंबर मंथ में मैं थोड़े से ज़्यादा रिवीजन पे इंटैक्ट हो गया था, मैं ज़्यादा रिवाइज करता था चीज़ों को, मतलब मैं DLR VRC ये सभी चीज़ों को मैं रिवाइज किया था, स्पेशली फॉर द पास्ट ईयर और मॉक, मतलब मॉक और पास्ट ईयर को तो मैं रिवाइज करके गया था तीनों सेक्शनल का भी। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी पूरी 50 डेज के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो देन प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ डाउट है स्ट्रैटेजी रिलेटेड या फिर कुछ भी कि आपको स्ट्रैटेजी में हेल्प चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे रीच कर सकते हैं या फिर लिंक्डइन पे रीच कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड हार्डवर्क करते रहें, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे कैट में। बाय गाइज, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।